टाइप 1 मिला है जिसका बिल्टअप एरिया 3,005 स्क्वायर फीट है। दिस इज अ कॉमन ड्राइवे जिसके थ्रू आप आएंगे अपनी ही विला में कार पार्क करेंगे। तो ये 2-car पार्किंग स्पेस हो गया। एंटर करते ही एक एंट्रेंस फोयर आ गया, 7x5.5 का एंट्रेंस फोयर और एक बेडरूम, 14x15 का ये बेडरूम है विद वॉशरूम। ये इस बेड का वॉशरूम हो गया विद 3 fixture वॉशरूम जिसमें WC बेसिन और शावर एरिया आ गया। अब लोअर ग्राउंड फ्लोर पे हमने सनलाइट और वेंटिलेशन कैसे मेंटेन किया, तो ये हमारा प्राइवेट लॉन हो गया। फुल लेंथ ग्लेजिंग्स इन द बेडरूम, आप बस स्लाइडर्स ओपन करिए और सनलाइट और वेंटिलेशन यहाँ मेंटेन है। बिलो दिस इज द मेट्स रूम, देन मेट्स यूटिलिटी एरिया जहाँ पे यू कैन सेट अप योर वॉशिंग मशीन और ड्रायर। ऐसे हमने मेट्स रीजन को एकदम सेपरेट रखा है विला से ताकि आपके विला की प्राइवेसी मेंटेन रहे। आप विला के बाहर हैं, बस विला का मेन डोर लॉक करिए और पूरी विला की प्राइवेसी मेंटेन रहे। फिर आते हैं हम अपर ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि कोई मोटरिंग या व्हीकल मूवमेंट तो है नहीं अपर ग्राउंड लेवल पे। तो ये हमारा बग्गी पाथ है जिस पे गोल्फ कार्ट मूव करेगी, अपनी ही विला के बाहर आप अपनी गोल्फ कार्ट पार्क करेंगे और ये आपकी एंट्रेंस आ जाती है। एंटर करते ही एक लिविंग डाइनिंग एरिया है, 11x20 का लिविंग डाइनिंग एरिया, एक किचन, किचन के साथ एक स्टोर रूम, 11x11.5 की किचन है और एक स्टोर रूम है हमारा 4x4 का। किचन डुअल पर्पज़ किचन है, इस तरह से स्लाइडर्स लगा के दे रहे हैं हम। अगर स्लाइडर्स ओपन है तो ये ओपन किचन हो गई, अगर स्लाइडर्स आपने क्लोज कर लिए तो आपकी क्लोज किचन मिल जाती है। फिर एक बेडरूम है इस फ्लोर पे, अगेन 11x13 का बेडरूम विद वॉशरूम जिसमें WC बेसिन और शावर एरिया आ जाता है। और सारे ही हैबिटेबल प्लेसेस आपके ग्रीन फेसिंग है, किसी भी हैबिटेबल प्लेस की विंडो या डोर वॉल या शाफ्ट में ओपन नहीं होगी। और ये ग्लासेस जो आप देख रहे हैं डबल ग्लेज्ड यूनिट्स हैं, DGU ग्लासेस, जिनसे सनलाइट विला में आएगी पर हीट और नॉइस विला में एंटर नहीं करेगी। फिर ये आ गया हमारी विला का फर्स्ट फ्लोर जिसपे 2 bedrooms है, 11x11.5 का मास्टर बेडरूम हो गया विद वॉशरूम एंड ड्रेसिंग एरिया, देन अनदर बेडरूम ऑन दिस फ्लोर विद वॉशरूम। फिर एक टेरेस आ जाती है हमारी 11x9 की टेरेस जो कि ओपन टू स्काई है और दोनों रूम से एक्सेसिबल है टेरेस। और फिर आ जाती है हमारी विला की टेरेस, विला की छत, जिसे हमने मैक्सिमम यूटिलाइज किया है। कुछ सर्विसेज हैं हमारी जैसे उनमें से एक स्पा एंड मसाज की सर्विस होगी, सो दिस इज दैट। उसके लिए हमने बेलिनी स्टाइल स्पा बेड टेरेस पे ही बना दिया। फिर एक फैसिलिटी हमारी शेफ एंड बटलर की है, आपने शेफ को बुलाया है खाना बनाने के लिए। प्राइवेट किचन आपकी विला में है बट इफ यू डोंट वांट शेफ टू एंटर इनटू योर प्राइवेट किचन, तो एक सेपरेट शो किचन है टेरेस जिसमें प्रॉपर SS कवर्स हम आपको लगा के देंगे जिससे आप अपने स्लैब्स को कवर कर सकें। दिस इज दैट शो किचन। फिर एक डाइनिंग एरिया हम दे रहे हैं आपको, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर डाइनिंग टेबल सेटअप है, इस तरह से डाइनिंग एरिया होगा जहाँ पर आप अपनी डाइनिंग टेबल सेटअप कर सकते हैं। फिर एक स्टोर रूम है टेरेस पे और एक पाउडर रूम या कॉमन वॉशरूम। स्टोर रूम हमने क्यों दिया है, ताकि आप सॉफ्ट एमिनिटीज जैसे स्पा बेड का मेट्रेस हो गया, आपने डाइनिंग टेबल सेटअप की तो चेयर के कुशन्स हो गए, सारी चीज़ें आप स्टोर में रख सकें। और एक कॉमन पाउडर रूम या कॉमन वॉशरूम है टेरेस पे ही। जो ग्लास रूफ आप देख रहे हैं, यहाँ पे ग्लास रूफ नहीं होगा, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर होगा कॉल्ड परगोलास। स्ट्रक्चर इज कॉल्ड परगोलास और ये अपने आप में ही एक शेडिंग डिवाइस की तरह एक्ट करता है, क्योंकि इन स्ट्रक्चर का रिफ्लेक्शन जो आएगा टेरेस पे वो पूरा दिन चेंज होगा, क्योंकि सन का एलिवेशन पूरे दिन चेंज होता है, तो आपकी विला को एक डायनेमिक लुक मिलता है। प्लस आप अपनी टेरेस पे बैठे हैं सनबाथ के लिए, तो डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही है, सनलाइट फिल्टर होके आ रही है यहाँ पर, तो ये एडवांटेजेस हो गए। फिर ये एक जो देख रहे हैं आप, ये फ्रेम्ड व्यूज़ है, फ्रेम्ड व्यूज़ अगेन टू इन्हांस द प्राइवेसी ऑफ योर विला। कोई भी इस विला में खड़ा है वो ओवरलुक नहीं कर सकते कि इस विला में क्या हो रहा है बिकॉज ऑफ द फ्रेम्ड व्यू, और आपके हैबिटेबल प्लेस का व्यू नैरो ना होके और ब्रॉड हो गया। तो ये हमारा क्लासिक विलाज आ गया, टाइप 1 विला, बिल्टअप एरिया 3,005 स्क्वायर फीट विथ 4 bedrooms, 2-car पार्किंग स्पेस, प्राइवेट लॉन ऑन द लोअर ग्राउंड फ्लोर, मेट्स रूम, मेट्स यूटिलिटी एरिया एंड स्टोर रूम एंड पाउडर रूम विद बेलिनी स्टाइल स्पा बेड एंड शो किचन ऑन द टेरेस।